फ्रेंड्स, मुद्दा हॉट है और अतुल ज्वाला फिर आपके साथ है। राजस्थान के राजनीतिक संक्रमण को देखकर लगता है कि गहलोत साहब का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है और पायलट जी का थोड़ा सा कमजोर है। पायलट जी को भाजपा क्वारंटाइन सेंटर और वसुंधरा इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है। मुद्दा हॉट है। गहलोत साहब बोले, पायलट नाकारा और निकम्मा है। घर के लोंडो के बारे में आदमी तभी ऐसा बोलता है जब वो उनके घर में हिस्सा मांगता है। बताया जा रहा है कि विधायक 35 करोड़ रुपए में खरीदे जा रहे हैं। इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, घोड़ों की खरीद फरोख्त। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जरा सी बात में विवाद लंबे चौड़े हो रहे हैं। बिक तो गधे रहे हैं और बदनाम बेचारे घोड़े हो रहे हैं। सचिन पायलट की स्थिति ठीक वैसी है। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बनकर लौटे। वो काका जी को निपटाने के चक्कर में थे, उसका भुआ जी ने उनको निपटा दिया। मुद्दा हॉट है। दोस्तों, एक आदमी मरकर ऊपर पहुंचा। यमराज ने पूछा कैसे मरे, बोला कोरोना से। यमराज बोले, चित्रगुप्त, इसको पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करो, इसका फैसला बाद में करेंगे। कुछ लोग तो दोस्तों मार्केट में ऐसे तनकर निकलते हैं जैसे अभी कोरोना को खुद क्वारंटाइन करके आए हो। मुद्दा हॉट है। मेरी तो सरकार से एक रिक्वेस्ट है, वैक्सीन नहीं बन रही हो तो कोई बात नहीं, एक ऐसा चश्मा इजाद कर लो जिससे कोरोना दिख जाए। लोग चप्पल से ही कोरोना को मार डालेंगे। मुद्दा हॉट है। दोस्तों, किसी भी जगह ज्यादा दिन रुकने से इज्जत खराब ही होती है। कोरोना के साथ भी वही हुआ। जो डर और इज्जत कोरोना की मार्च में थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। और भारत आकर तो बेचारे कोरोना की इज्जत और ज्यादा खराब हो गई। बेचारा आया था फ्लाइट से, अब पैदल पैदल रोता फिर रहा है। अच्छा, भारत के लोग तो दोस्तों कोरोना वरोना से डरते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अमेरिका में मोबाइल पर मैसेज आता है इन दिनों, हम मर रहे हैं। ब्रिटेन में मैसेज आता है, हम मरने वाले हैं। इटली में मैसेज आता है, आखिरी वक्त नजदीक है। भारत में मैसेज आता है स्कूल से, स्कूल की फीस जल्दी भरो। कहाँ डर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे भी नहा धोकर बैठ जाते हैं सुबह सुबह मोबाइल लेकर। स्कूल वाले खुश हैं कि क्लास चल रही है, पेरेंट खुश है पढ़ाई चल रही है, बच्चे खुश है कि हाथ में मोबाइल है। समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है, मजा सबको पूरा आ रहा है। मेरा तो एक निवेदन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना, बच्चों को अलादीन बनाओ, बच्चों को अलादीन बनाओ, अलादीन का जिन मत बनाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, बच्चों को बच्चा रहने दो, उन्हें मशीन मत बनाओ, उन्हें मशीन मत बनाओ। मुद्दा हॉट है। ऑनलाइन क्लासें चल रही है, एक टीचर ने ऑनलाइन क्लास में बच्चे से पूछा, बेटा ये नंदूरबार कहाँ है? बच्चा बोला, मैडम मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे पापा से पूछकर बता दूं क्या, उनको सारी बार का पता मालूम है। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है भाई साहब। कोरोना के कारण 4 महीने से इतना गर्म पानी पिया कि अब तो एक दिन पेट बोल पड़ा, क्या बाबूजी गले में गीजर लगवा लिया है क्या? कोरोना ने बड़ी आफत कर रखी है। सुबह उठो तो हल्दी का काढ़ा पी लो, दिन में हल्दी फाक लो, रात को सोते समय दूध हल्दी, गर्म पानी से हल्दी पी लो। इस कोरोना के चक्कर में पेट हल्दी घाटी का मैदान हो गया है। सुबह सुबह पत्नी चिल्लाई पति पर, छत पर क्यों जा रहे हो? पति बोला, विटामिन डी के लिए। पत्नी बोली, नहीं मिलेगी, उसका वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया है और ऑफिस चालू हो गया है। ये सबकी एक जैसी समस्या है भैया, आप देखिए सबकी समस्या एक जैसी है। पत्नी एक ही बात पूछती है, आज क्या बनाऊं? मुझसे भी पूछा मेरी पत्नी ने, आज क्या बनाऊं? मैंने कहा, देख लो, कोरोना की वैक्सीन बन सकती हो तो बना लो। मुद्दा हॉट है। दोस्तों, हम हास्य व्यंग की बात इसलिए करते हैं ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ,
और आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम और जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे आपके साथ फिर मुलाकात होगी, इसी पेज पर इसी समय। गुड बाय।